सूट की स्लीव पर ये बटन क्यों होते हैं? एक ऐसी ट्रेन जो बिना किसी फ्यूल के चलती है, और बोतल के नीचे ये बम्स क्यों होते हैं? चलिए जानते हैं। चलो चलो चलो। नंबर 5, आपने टकेशी कासल शो तो जरूर देखा होगा, और यह शो इंडिया में आने से 10 साल पहले ही खत्म हो गया था, और इसके एपिसोड को जब हिंदी में डब करके दिखाया गया तो थोड़े दिनों बाद ही इसे बंद करना पड़ा, क्योंकि इसे बनाने में बहुत खर्चा आता था, और जब तक यह शो पॉपुलर हुआ तब तक इसमें काम करने वाले लोगों की भी डेथ हो गई थी। लेकिन कुछ देशों ने इसके वर्जन निकाले थे, लेकिन वो सब फ्लॉप हो गए, और इस शो को आज तक केवल 8 लोगों ने जीता है, जिन्हें प्राइज में 6 लाख रुपए दिए गए थे। नंबर 4, आपने कभी न कभी कोल्ड ड्रिंक या फिर सोडे की बोतल तो जरूर खरीदी होगी, और आपने यह नोटिस किया होगा कि सभी बोतल नीचे से एक जैसी नहीं होती। पानी की बोतल नीचे से फ्लैट होती है, और कोल्ड ड्रिंक की बोतल में ये बम्प्स होते हैं, लेकिन इन बोतलों को अलग अलग क्यों बनाया जाता है? दरअसल कोल्ड ड्रिंक के निचले हिस्से की सबसे खास बात यह होती है कि उसमें 3 या 5 बम्प्स निकले होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन बोतलों में गैस भरी होती है, और जब कोल्ड ड्रिंक को ठंडा किया जाता है तो इसके वॉल्यूम में थोड़ा बहुत बदलाव होता रहता है। इसके अंदर गैस भरी होने के कारण इसके निचले हिस्से खास तरह से डिजाइन किया जाता है, जिससे वॉल्यूम के हिसाब से कोल्ड ड्रिंक एडजस्ट हो सके। इतना ही नहीं, इससे गैस का प्रेशर कंट्रोल भी होता है, और इस खास तरह के बोतल को कोरियोगेशन कहा जाता है। इसके अलावा बोतल के नीचे बम्प वाला हिस्सा थोड़ा सा टाइट होता है, यानी कि बोतल के दूसरे हिस्से के अलावा निचले का हिस्सा थोड़ा सख्त होता है। यही कारण है कि बोतल में गैस प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बम्प्स दिए जाते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। नंबर 3, सोचिए अगर गाड़ियां बिना किसी ईंधन के खुद ब खुद चार्ज होती रहे तो कितना अच्छा होगा। अब सड़क पर चलने वाली गाड़ियां का तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक ऐसी ट्रेन जरूर बनाई जा रही है जो बिना किसी ईंधन के चल सकेगी। इसके लिए न तो कोयला चाहिए होगा और न ही कोई डीजल, बल्कि ट्रेन धरती की शक्ति यानी गुरुत्वाकर्षण से चल सकेगी। यह ट्रेन ऑस्ट्रेलिया की खनन कंपनी बना रही है। अनंत समय तक बिना ईंधन के चलने की वजह से इस ट्रेन को इन्फिनिटी ट्रेन कहा जा रहा है। इस तरह की ट्रेन के होने वाले सबसे अहम फायदे यह है कि प्रदूषण का स्तर कम हो जाएगा, और ट्रेन की रिफ्यूलिंग का झंझट भी खत्म हो जाएगा। ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाते टाइम में चार्ज हो जाएगी, और इसकी बैटरी में ये एनर्जी सेव होती रहेगी। क्योंकि ये पटरी पर दौड़ते हुए चार्ज हो जाएगी, इसलिए इसकी एनर्जी कभी खत्म ही नहीं होगी। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति इसकी एनर्जी का आधार होगा। आपका क्या कहना है इस ट्रेन के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। नंबर 2, हम अपनी आंखों से एक बार में एक ही डायरेक्शन में देख सकते हैं, लेकिन एक गिरगिट की आंख 360 डिग्री मूव हो सकती है और हर एक डायरेक्शन में घूम सकती है। और शॉकिंग बात तो यह है कि एक बार में दोनों आंखों को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसलिए इनकी आंखों को देखना काफी अजीब सा लगता है। नंबर 1, सूट की स्लीव में ये बटन क्यों होते हैं? दुनिया भर में लोग किसी खास मौके पर सूट पहना करते हैं। शादी ब्याह पार्टी फंक्शन में लड़के तो अक्सर आपको सूट में ही दिखेंगे, लेकिन सूट में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि सूट की स्लीव पर बटन लगे होते हैं। दरअसल सूट की स्लीव पर बटन लगे होने के पीछे 2 थ्योरी है। मिलिट्री थ्योरी के हिसाब से माना जाता है कि सबसे पहले क्वीन एलिजाबेथ प्रथम और नेपोलियन जैसी रॉयल हस्तियों ने मिलिट्री ब्लेजर शुरू किए। उनका मानना था कि सूट की स्लीव पर बटन लगाने से अपने मुंह और नाक को साफ करने के लिए सिपाही स्लीव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गंदे स्लीव की वजह से उनका हाइजीन खराब होगा। दूसरा, उनका इम्प्रेशन इतना खराब होगा कि कोई भी फौजी उसे नहीं डरेगा, साथ ही फौजी इससे अपनी वर्दी का आदर करना भी सीखेंगे। दूसरी थ्योरी कहती है कि उस जमाने में कोट केवल यूनिफॉर्म की तरह या डेट पर जाने के लिए ही नहीं पहना जाता था, बल्कि हर हाल में पुरुष रोज कोट पहनकर ही रहते थे। ऐसे में टाइट स्लीव की वजह से कोई भी भारी भरकम काम करने के लिए कोट उतारना पड़ता था, इसलिए स्लीव के बटन खोलने से कोट पहने रहकर भी काम करना आसान हो जाता था, क्योंकि उस समय स्लीव के बटन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते थे, बल्कि उन्हें खोला भी जा सकता था। अब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो यार, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।